अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में न्यू अपडेट आई है ई ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से, कि जो हम अपने आईडी कार्ड नंबर से गूगल क्रोम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है ई ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। सर्च करने के बाद आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये DLIMS वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लोडिंग हो रही है। ये आपके पास पेज ओपन हो गया है, ये देख सकते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सिंपल से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, 324। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये आपने यहाँ पे कैप्चा के बटन पे क्लिक करना है। ये आपके पास वेरिफिकेशन हो रही है, कैप्चा कुड नॉट ट्राई अगेन, दोबारा हम करेंगे इसको, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट। इसके बाद आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक ई ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट होके आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं आपके पास ये सामने ये ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो चुका है। इसको आप अगर PDF में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें सेव एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।